दोस्तों, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, कोई भी पद खाली होता है और उसका विज्ञापन आता है, तो हम असमंजस में होते हैं कि ये किस प्रकार की भर्ती है, आवेदन करें या नहीं करें, आवेदन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आज के इस सत्र में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भर्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं और जो आपके जैसे नए लोग हैं, अर्थात जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, नौकरी में नहीं है या फ्रेश कैंडिडेट हैं, वे किस तरह की भर्तियों के लिए आवेदन करें। सबसे पहले देखा गया है कि अधिकांशतः जो सरकारी विभाग हैं वह प्रतिनियुक्ति आधार अर्थात डेपुटेशन की वैकेंसी निकालते हैं। डेपुटेशन का मतलब होता है कि जो लोग पहले से ही किसी पद पर हैं, जैसे मान लीजिए राजभाषा विभाग ने हिंदी अधिकारी के पद की रिक्तियां निकाली डेपुटेशन पर, तो उनकी अपनी कुछ शर्तें होंगी। उस शर्त के अनुसार जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है वो कहते हैं कि इसे पहले से ही किसी सरकारी नौकरी में 2 साल 3 साल से कार्य करते हुए होना चाहिए। तो जो लोग नौकरी में हैं वो लोग डेपुटेशन के पद पर आवेदन कर सकते हैं और ये डेपुटेशन की अवधि अधिकतम 3 वर्ष होती है। एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते समय आपको अपने विभाग से क्लियरेंस लेकर के नए विभाग में जाना पड़ता है और वहाँ जाने के बाद फिर उनके नियम कानून के अनुसार आप 3 वर्ष सेवा करेंगे। 3 वर्ष सेवा के बाद फिर आप वापस अपने विभाग में आ जाएंगे। यह जो 3 वर्ष की अवधि होती है, इस अवधि को डेपुटेशन तो कहा ही जाता है लेकिन उस अवधि को लीन पीरियड भी कहा जाता है और इसके बाद लीन वैकेंसीज निकलती हैं। अब जैसे मान लीजिए आप एक विभाग से दूसरे विभाग में डेपुटेशन पर चले गए तो आपका जो पद है वह यहाँ खाली रह गया है, तो कुछ विभाग विज्ञापन निकालते हैं और लीन वैकेंसी करके निकालते हैं। लीन वैकेंसी मतलब डेपुटेशन की अवधि में खाली हुए पदों के लिए। अब इस पर जो लोग आवेदन करेंगे, जैसे ही डेपुटेशन की अवधि उस व्यक्ति की पूरी होती है वह वापस अपने विभाग में आएगा और जो लीन अवधि होती है, लीन भी मान सकते हैं कि अस्थायी अर्थात एक प्रकार का टेम्प्रोरी है, तो लीन अवधि वाले का जो स्थान है वो उसे खाली कर देना पड़ता है और फिर वह सेवानिवृत्त हो जाता है। इसलिए अधिकांशतः डेपुटेशन और लीन पीरियड की जो वैकेंसीज हैं, यदि आप फ्रेशर हैं तो डेपुटेशन तो कर ही नहीं सकते, लीन अवधि वाली जो वैकेंसीज है अगर आपको अनुभव लेना है तब तो आवेदन करिए, अन्यथा आपका आवेदन करना इस पद के लिए व्यर्थ है। पूर्व में कई सारी वैकेंसीज आई और कई मित्रों ने मुझसे सवाल पूछा कि ये क्या है, कैसे है, तो यदि जब भी आपको डेपुटेशन दिखे तो आप उसके लिए आवेदन ना करें। अब आते हैं फिर किस भर्ती के लिए आवेदन करें, तो रेगुलर करके लिखा रहेगा, जब भी कोई वैकेंसी निकलेगी रेगुलर लिखा रहेगा, रेगुलर की वैकेंसी जो है उस पर आप आवेदन करिए। उसमें आवेदन के बाद जब आपकी नियुक्ति होगी, नियुक्ति के दिन से ही आप स्थायी कर्मचारी माने जाएंगे और आपका प्रोबेशन परिवीक्षा अवधि जैसे ही पूरी होगी आप उसमें उस विभाग में रख लिए जाते हैं और स्थायी तौर पर सेवानिवृत्ति 58 या 60 वर्ष जो विभाग का नियम है उस अवधि तक आप उसमें सेवा कर सकते हैं। तो मित्रों ध्यान रहे, डेपुटेशन के लिए जो पद आते हैं अगर आप कहीं सेवा में नहीं हैं, फ्रेशर हैं, तो उसकी तरफ ध्यान न दें और उसको ऐसे ही जाने दें। हमेशा फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए कोशिश करें और उसी की तैयारी करें।